नहीं था हैप्पी कुंज में। कहाँ की कहाँ की? बिजोरिया। बिजोरिया की ना, ठीक है। ये दोनों निकल गए बेटा, ये तो मजे से गाड़ी से जा रहे हैं। अब मेरे को जाना है यहाँ से ट्रेन में। अब मम्मी जी वगैरह आ जाए, बाय। निकल गए यहाँ से स्टेशन पर, आकर वेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे छुटकी बैठी हुई है, मम्मी जी बैठी हुई हैं और जा रहे हैं। मतलब एक तो मुझे दवाई लेनी है, जो मेरे प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी बढ़ गई सिर्फ सफ़र कर लेने से, और दूसरा कुछ झाड़ा उड़ा भी लगवाना है उसका लगता है, तो वो भी करवाना है। और चलते हैं मामा जी के यहाँ, एक दिन निकालेंगे तो रेस्ट करेंगे गांव में जा करके। वहाँ पे आगे आप देख लोगे, कंटिन्यू बने रहोगे तो। देख के मन तो बहुत कर रहा है खाने का, पर खाऊंगा नहीं। चलो बाय बाय, बाद में खाएंगे। तो ट्रेन आते थे और हम इसमें लद के जाएंगे, और ये यहाँ से निकलते हुए अब चलते हैं आगे, देखें मामा जी के बाद। मामा जी गांव पहुंच गए, ये इधर पैदल, ये उधर मम्मी जी पैदल, ये छोटा वाला ट्रैक्टर आ रहा है गांव में। गांव में आकर ये फ़ायदा है, छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती है। देखा छोटा ट्रैक्टर शहर में कहाँ मिलता है सर, छोटा वाला ट्रैक्टर देखने को। इतनी ज़्यादा हरियाली, इतना मस्त जगह, कसम से यार मज़ा। मामा जी रहते मस्त जगह पर, बस एक चीज़ तो ये है। चलो अब उन्हें घर पहुंचता हूँ मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ हरियाली देख करके, आपको दिखा दिया, अब मैं देखूँगा। ये मामा जी हैं इनके, वॉइस ओवर कर देना। और ये मामी जी हट हट मोटे हट। अरे नहीं, धूप लगेगी थोड़ी जगह में जाएगी। आपके लिए नहीं लगी, मेरे लिए लगी है वो। तो और लगाई थी मेरी मेरी मामा दुकान में आज। दुकान तो उन लोगों दुकान जाता खाते हैं। यस वे भाई नौकी थे ना, क्या के मजे। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और चाय पे जाना पड़ेगा छुटकी, और ऊपर जाना टावर पे बैठे हैं, पेड़ ना पीछे है घर के पीछे, उसमें ही जाकर भुजिया मिली खाने के लिए उनके घर। मतलब मामी जी कहते हैं खाना बहुत बेस्ट मिलता है, बहुत अच्छा। अभी तो शुरुआत हुई है। ये मेरे को मिला है देसी खाना, ये आलू की सब्जी, दाल, ये आलू की सब्जी और रोटी। खेल में से मुझे खाना नहीं है। अरे मोटा मैं बैठ गया पूजा करने के लिए। दोस्तों मामा जी से बात करते हुए और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। गांव का जो मनोहारी दृश्य है ना, जो आप सब देख रहे हो, ये बस मैं फील भी नहीं करा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद में बहुत आनंद मिला, बहुत मतलब है ना। यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं आ रहा फ़ोन में, पर इतना दिलों से करीब महसूस हो रहा है यहाँ पे। चारों तरफ प्यारा मौसम है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा, और आसपास की इतनी सुख शांति है ना, जिसका मैं कह नहीं सकता। भाई देखो, अगर कितना भी काम करके परेशान हो जाओ ना, मैं तो कहूँगा यार कि एक बार गाँव जाओ। भले वहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क नहीं है, पर आपको मज़ा बहुत आएगा वहाँ पर, जैसा कि मैं यहाँ पर इन्जॉय कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो, एक खपड़ी का घर है पूरा सामने के लिए, यार बहुत अच्छा। कहाँ मिलता है ऐसी चीज़ें देखने। यहाँ पर पागल हो रही हैं, हाँ आप भी आओ और आप भी ऐसे करो जैसे वो कर रही हैं। आप चेतन आ रहा है, मोटरसाइकिल में जाना है। अरे मोटरसाइकिल यार, मोटरसाइकिल तो और कितना जोर है भाई, तो जोर है भाई, तो जोर है भाई, तो जोर है भाई, तो जोर कोई आदमी आओ भाई, तो उसको भाई एकदम पानी ना दो जाए, तुम हमारी दमो खेद दो। हम भाई बैठे रहे, बैठे रहे 5 मिनट,
लोगों से कोई मैटर हो बाल परीक्षा छोड़ो गर्मी 11-12 बजे करना खोद पानी पूछ लो तो यार आराम ना पूछो तो आराम यार तुमसे यार हद हद बहुत बिगड़ तू तो फिर ना पानी पूछी ना बागा पूछी बोले क्या आज पूछो ना कछु तो हम नहीं पहले सत्ता आए अब किसा खाने खबा में खाने बहुत सत्ता भाई तो राम दुआरे भीतर सजा बहरार दया हमें बाकी बारे में पता राम उस आदमी की भाषा शैली ऐसी है अगर कोई अदर आदमी हो ना अरे मोटरसाइकिल ना फोर मेहंदी लग गई हमें बताई हम मेहंदी लगाते हम लगे लगी मेहंदी तुम्हारी सही है तुम्हारा काम सही है गैस पर खाना मम्मी ये कल बताया नहीं था हैप्पी कुंज में मैं भी हैप्पी हो रहा हूं हां हैप्पी हो रहा हूं मैं साथ में कब तक रखना है इसे हैप्पी हो जाऊंगा मैं ये तो मामा ने कल रात में अच्छे से बताया था ना कब तक रखना आधे घंटे तक रखना पड़ेगा तो बोलिए फिर मैं हैप्पी और कब तक रखूं भाई दर्द होने लग गया आपने अभी मम्मी मारेंगी आपको कहेंगे जो बालक पूजा नहीं करने देते यूं कर देते साइज तो आ गया हम बोलो दोस्तों मैं और मेरे मामा जी हैं उनके खेत वगैरह देखने के लिए निकले हुए हैं और कुछ गन्ने भी तोड़ेंगे हम क्योंकि सुबह का मौसम था और मेरा गन्ना खाने का मन भी कर रहा था क्योंकि यार गांव में गए तो भाई देखो कुछ गन्ना वन्ना खा के आएंगे कुछ ओक ओक खा के आएंगे तो मेरा मजे उड़ाएंगे तो जा रहे हैं इतना प्यारा और इतना अच्छा मौसम है कि क्या बताऊँ मैं ये गन्ने के खेत देख रहे हो आप इतने अच्छा लग रहा है यहाँ पर इतना ठंडा और इतना अच्छा वाला मौसम है सर ये हमारे नाना जी हैं नहीं नहीं रुको मैं तोड़ लूँगा मामा जी मैं तोड़ लूँगा इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हुए और हमसे बोल दे इतना काम करने के लिए तो अब यहीं पे घिरे मिलेंगे तड़पते मिलेंगे जमीन में पड़े हुए मिलेंगे मैं बोला नाना जी इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी हमें बोल दिया जाएगा ना कितना करना है तो अभी 2 घंटे बाद यहीं पड़े मिलेंगे हम सब ताकत अच्छी होती है शुद्ध खाओ शुद्ध वातावरण में रहो तभी तो ताकत बनी रहेगी इतनी नकली दांत है ये बोलो ना नकली दांत है हाँ नकली दांत है नकली अरे